खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई के शाहबाद नगर पालिका परिषद के सभागार में चेयरमैन श्रीमती नसरीन बानू की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई बैठक में नगर पालिका द्वारा वर्ष 2021-2022 का 10 लाख रुपए फायदे का अनुमानित बजट पेश किया गया है तथा सभी सभासदों जनहित नगर हित में दिए गए सभी प्रस्तावों को चेयरमैन नसरीन बानू द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया और जल्द से जल्द उसके निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी विमलापति तथा सभी सभासद मौजूद रहे। सभी सभासदों ने अपने अपने मोहल्लों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में चेयरमैन नसरीन बानू को अवगत कराया। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष नसरीन बानू ने पालिका बोर्ड के सभी सभा सदस्यों से नगर के विकास में अपने शत प्रतिशत सहयोग देने का आह्वान किया। चेयरमैन ने पालिका बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। बैठक में मौजूद पालिका बोर्ड के सभी सभासदों ने नगर के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का पालिका अध्यक्ष को आश्वासन दिया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी विमलापति ने आए हुए सभी सभासदों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी सभासद और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। नगर पालिका का जो वार्षिक बजट है 21-22 का, उस पे चर्चा हुई और अनुमानित आय और कितना व्यय होना है उस पर चर्चा हुई, जिसमें कि पालिका बोर्ड का 10 लाख रुपए फायदे का बजट पास हुआ, जिसमें स्वास्थ्य, ग्रेकर, हाउस टैक्स और कुछ इसमें टैक्सेस में नए संशोधन की भी बात हुई और कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें लगभग जो है 19 मद हमारे हैं जिसपे की चर्चा हुई, जिसमें कि 14वां वित्त है, 15वां वित्त मार्ग, प्रकाश, नाला, सड़क, इस तरह से सब बजट जो है सर्वसम्मत से माननीय सभा सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।